आज क्रांति दिवस के अवसर पर नागपुर के संविधान चौक में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षित बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात को सरकार को जगाने के लिए मानव अधिकार संरक्षण मंच की ओर से आशीष फुलझले ने क्या कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट के साथ नितिन बागड़े के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज और मैं हूं आपके साथ नितिन बागड़े। जी हां, क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में यहां नागपुर शहर संविधान चौक में बेरोजगारी के तहत यहां धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पे बहुत सारे शहरों के तादाद में यहां लोग मौजूद है। आइए इनसे क्या मांगे है। नमस्कार, मैं आशीष कुंजले मानव अधिकार संरक्षण मंच की ओर से यहाँ पर मैं संयुक्त एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें मांग ये की जा रही है कि पूरे महाराष्ट्र में 2,15,000 के ऊपर रिक्त पदे हैं जो पिछले 15 साल से भरी गई नहीं है। और आज ये हाल है कि रोज एक युवा आत्महत्या कर रहा है। ये आत्महत्या ये केवल वो युवा की आत्महत्या नहीं, तो ये प्रशासन द्वारा किया जा रहा खून है। मैं आज के इस प्रसंग में ये कहना चाहूंगा कि आज जो भी सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि वहां पर में खुद की 2 लाख के ऊपर जगह होने के बावजूद भी आउटसोर्सिंग में दिया जा रहा है। यानी ये प्राइवेट वालों के जेबें भर रहे हैं और जो जिनको सही मायने में हक चाहिए उनको उस हक से वंचित किया जा रहा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, नागपुर विद्यापीठ में आज भी जो रिटायर्ड हुए लोग हैं वो वहां पर में फिर से कार्यरत हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी हमें यह कहना है कि जो युवा बेरोजगार है वो युवा को वहां पर में वो रिटायर्ड पर्सन की जगह वहां पर में उनको जॉब मिलना चाहिए था। और पिछले 20 साल से महानगर पालिका में 5,000 के ऊपर आज तक भर्ती की गई नहीं है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों की समस्या होती है, स्टाफ कम होने की वजह से वो लोगों की समस्या सॉल्व नहीं होती है। और ऐसी बहुत से कारण है जिनके वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर जो युवा है वो युवाओं को आज न्याय मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक समय ऐसे आएगा कि युवाओं को कई रास्ते पे उतरना पड़ेगा या कि किसी यानी अलग मार्ग से उसको अपने न्याय के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल से यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्रशासन जिस तरह से युवाओं का मजाक बना रही है, शासन प्रशासन ने होश में आना जरूरी है। मैं पिछले 15 साल के शासन काल में जो जो सत्ताधारी थे उन सब का निषेध करता हूँ। और इस आंदोलन के लिए मैं जो भी युवा है, सभी महाराष्ट्र के युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि इन्होंने आप रास्ते पे उतरने के सिवा दूसरा चारा नहीं है, तो सभी रास्ते पे उतरे, यही मैं आज के दिन आपसे दरख्वास्त। जिस तरीके से आप देख सकते हैं संविधान चौक में यहाँ धरने आंदोलन पे से बंद कर रहा है, 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 बंद कर रहा है।